जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो भाई आज की वीडियो एक तरीके से मान सकते हो आप मोटिवेशनल वीडियो पे आधारित है, क्योंकि कई बच्चों लोग की परेशानी रहती है कि अगर इसमें एक वैकेंसी आ रखी है, हम उसका फॉर्म फिलअप करें कि ना करें। तो इसका जीता जागता भाई मिसाल है हमारे भैया जी, मतलब इनका आकाश कुमार शर्मा नाम है। अभी इनका मैं पूरा डिटेलिंग बताऊंगा कि इन्होंने क्या किया है और कैसी जॉब इन्होंने फाइंड की है और कितने संघर्षों के बाद इनको ये जॉब मिली है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उन्होंने भाई BSF में आवेदन किया था, किसमें, ये BSF का फॉर्म था, BSF ग्रुप बी की जॉब है, आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप बी की जॉब, यानी ग्रुप ग्रेड वो ग्रुप बी की जॉब बहुत बेहतरीन मानी जाती है, जिसकी होती है 35,400 ग्रेड पे होती, बेसिक पे होती है और 4200 ग्रेड पे की ये होती है जॉब तुम्हारी। और 4200 ग्रेड पे की जॉब ना किसी से पूछ लेना कितनी बेहतरीन जॉब होती है, वो आपको वो बता देगा भाई कितनी बेहतरीन जॉब होती है ग्रेड पे, जिसकी 4200 ग्रेड पे होता है। तो ग्रुप बी इंजीनियरिंग पोस्ट था इनका, सब इंस्पेक्टर वर्क्स डिस्क्रिप्टिव पेपर था, ये सेकंड पेपर था इनका, पहले का एडमिट कार्ड दोनों भेजा था इन्होंने, दोनों का एग्जाम भेजा था, दो पेपर हुए थे, प्री हुआ था एक तरीके से मान सकते हो, मेंस हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, पहले तो इनको समझा देता हूँ इन्होंने क्या किया। तो इसमें क्या क्या था, इसमें एक फॉर्म था, एक सिर्फ एक वैकेंसी आई थी, इसमें BSF की तरफ से सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई थी, उसका फॉर्म भैया ने अप्लाई किया था और इनका सिलेक्शन भी क्या हुआ, उसमें एक पोस्ट पे हो गया। तो जिनको लगता है कि एक वैकेंसी आ रखी है, मैं इसका फॉर्म नहीं भरूं कि भरूं कि ना भरूं, और ये सोच के बैठ जाते हैं, तो अगर आपका उसमें एलिजिबिलिटी है तो आप उस फॉर्म को ज़रूर से ज़रूर फिलअप कीजिए, क्योंकि भाई इनको भी नहीं पता था कि शायद हमारा सिलेक्शन हो जाएगा बाद में, लेकिन आज ये फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ये देख सकते हो आप इनका सारा कुछ, ये मेथड है, ये देख सकते हो यहाँ पर फाइनली आकाश कुमार शर्मा मेल EWS कैटेगरी से, इनका एक में एक वैकेंसी थी, उसका सिलेक्शन हुआ है। कैसे हुआ है अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने अप्लाई किया था भाई ग्रुप बी इंजीनियरिंग पोस्ट थी, यानी इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स या डिप्लोमा जो हो किया जाता है वो आपके पास रहना अनिवार्य था। तो इन्होंने उसमें कोर्स कर रखा था, डिप्लोमा इनके पास था, इनका नाम है आकाश कुमार शर्मा और ये ऑल्सो जो है CRPF सब इंस्पेक्टर सिविल इंजीनियरिंग में पहले से सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद का सिलेक्शन है ये, किसमें, यानी जो हमारे जो मेरा जो CRPF सिग्नल स्टाफ में SI और ASI की वैकेंसी निकली थी उसमें भी इनका सिलेक्शन हुआ है। देख सकते हो इनकी इसमें रैंक बनी है 5वीं रैंक, आकाश कुमार शर्मा की 5वीं रैंक बनी है। ये देख सकते हो ऊपर लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ SI रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल सिविल एंड ASI टेक्निकल डॉट्समैन। तो इसमें जो वैकेंसी निकाली गई थी इसमें भी ये सिलेक्ट हैं, ऑल्सो इन्होंने जो है वो एक वैकेंसी आई थी BSF ने सब इंस्पेक्टर वर्क्स में, यानी इंजीनियरिंग लाइन में, सिविल इंजीनियरिंग लाइन में वैकेंसी निकाली थी, उन्होंने मतलब इसमें जो है सिलेक्शन ले लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी कैटेगरी क्या थी, कैटेगरी EWS थी और ये मेल मतलब हैं भाई भैया देख सकते हो, ये ऑल्सो मतलब इसमें है वो CRPF सब इंस्पेक्टर में सिलेक्ट हुए हैं और इनका एग्ज़ाम जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, लखनऊ ही हुआ था, यानी आपका उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तो इनका भी ये रहने वाले हैं शायद, ये अभी पता नहीं था इनका, झांसी रांची के आसपास अगर रहने वाले हैं ये, तो इनका जो पेपर हुआ था लखनऊ हुआ था, यानी होम टाउन इनके आसपास ही पेपर बना दिया गया था, तो इनका पेपर हो गया था। अब ग्रुप बी इंजीनियरिंग पोस्ट की ये आपका वैकेंसी थी, तो भाई मोटिवेशन एक तरीके से है कि एक वैकेंसी में होते हुए भी फाइनल सिलेक्शन इन्होंने लिया है। तो चलिए हम दिखाते हैं इनका, ये आप देख सकते हो कि इसका तो सबको पता है भाई CRPF सिग्नल स्टाफ का, यानी मैंने भी उसमें सिलेक्शन लिया है, तो हमारे साथ ही भैया उसी में हैं, यानी आकाश कुमार शर्मा जी, इनका मतलब उन्हीं मतलब हमारे में ही सिलेक्ट हुए हैं ये भी। तो इनका तो इसमें पहले से सिलेक्शन हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था, मैंने उसमें फॉर्म फिलअप किया था, तो उसमें देखो क्या होता है, उनको पहले से पता था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर अपना बता रहे थे मेरा इतना नंबर है और कट ऑफ शायद मिनिमम ही गई है, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। अभी तक जितने कैंडिडेट बचे थे उनमें से सबसे ज़्यादा नंबर जो था वो भैया जी का था, तो इनको पहले से ज्ञात था कि आएगा जिस दिन फाइनल मेरिट उस दिन मेरा सिलेक्शन उसमें निश्चित है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ था रिजल्ट का, तो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फॉर सिलेक्शन ऑन वेरियस ग्रुप बी पोस्ट इन BSF इंजीनियरिंग सेटअप एग्जाम 2023। इसमें इन्होंने भाई देख सकते हो यहाँ पे तीन वैकेंसियाँ, एक इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट का निकली थी वैकेंसी, इसमें अंकित कुमार ये पहले नंबर पे थे, ये आपका मतलब पास हो चुके हैं फाइनल, लेकिन इनके पास इनका भाई मेरे पास कोई डाटा नहीं था, तो मेरे ही मतलब बैच में भैया जी सिलेक्ट हुए थे CRPF में, तो उनसे मुझे डेटा मिला, तो मैंने कहा आपके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा बच्चों को, जो तैयारी कर रहे हैं वो आराम से तैयारी कर पाएंगे, उनका हौसला बढ़ जाएगा कि हाँ भाई एक वैकेंसी हो चाहे दो वैकेंसी हो चाहे 1000 वैकेंसी हो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें अपनी तैयारी को जो है वो परफेक्ट रखना है, हमारा सिलेक्शन उससे होगा। अब यहाँ पे सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में था, तो ये तो सब था, और सब इंस्पेक्टर वर्क में आप देख सकते हो, सब इंस्पेक्टर वर्क में इनकी कैटेगरी थी, और EWS का सिर्फ एक वैकेंसी थी, अभी मैं आपको दिखा दूंगा, और यहाँ पे EWS की एक वैकेंसी थी, वो सारी फिलअप हुई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी यहाँ पे OBC की थी और
एससी वाला भी एक लड़का है, लेकिन उसका मेरे पास कोई डेटा नहीं है। तो यहाँ पे लगभग ओबीसी की सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ थी, एससी एसटी की एक एक थी और ईडब्ल्यूएस की एक थी। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट हैं वो भैया जी हैं आकाश कुमार शर्मा, तो एक वैकेंसी थी, उन्होंने इसमें जो है अपना मतलब सिलेक्शन लिया है फाइनल। अब वैकेंसी में कहाँ दिखा दूँ आपको, ये रही देखो रिजल्ट देख सकते हो आप, बीएसएफ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का रिजल्ट सीट थी, और यहाँ पे नेम इनका देख सकते हो, रोल नंबर इनका देख सकते हो, और जो आपका किसी भी आप पे था कौन सी पोस्ट के लिए इन्होंने अप्लाई किया था। तो ग्रुप बी कम्पिटाइज था, नॉन गजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट थी इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंजीनियरिंग लाइन की। अब इसमें क्या होता है, सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन चलता है, बीएसएफ का कोई हेडक्वार्टर्स बन रहा है, कहीं पर कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो वहाँ पर मतलब इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ये वैकेंसी निकाली जाती है। ऐसा ही सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर जो सिविल में है उनका काम भी सेम इसी तरीके से है, और एएसआई डॉप्टमैन का जो है सेम यही काम होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग का ये भी आपको पता चल गया होगा। रिटर्न एग्जामिनेशन इनके नंबर जो कितने बने थे देख सकते हो, दो एग्जाम हुए थे, प्री और मेंस हुआ था इनका सीबीटी एग्जाम में, 100 में से 68 मार्क्स इन्होंने गेन किए थे, और दूसरा हुआ था डिस्क्रिप्टिव, तो आउट ऑफ ये 61.5 नंबर इन्होंने यहाँ पे गेन किए थे, 129.29 नंबर इन्होंने फाइंड किया, और फाइनली क्वालिफाइड कर गए दोनों पेपर को। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ रिजल्ट इनका, तो ये रहा रिजल्ट, आप देख लो। तो ये तक कितनी वैकेंसी थी, सब इंस्पेक्टर वर्ग में ईडब्ल्यूएस की ओनली एक वैकेंसी थी, और एक वैकेंसी में इनका सिलेक्शन हुआ है 129.5 नंबर पे। इन्होंने मुझसे बताया था कि मेरे लड़के हैं, ऐसा नहीं है कई लड़के हैं इनके साथ थे, लेकिन इनका नंबर जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो फाइनली इनका सिलेक्शन होना तय था। अब भाई बात आती है कि आप देख सकते हो कि हौसले जब बुलंद हों तो सब कुछ पाया जा सकता है, तो हार कभी भी मत मानना, और क्योंकि मेरी भी लगातार जो तैयारी चल रही थी, मैं अपना भी खुद का बता दूं अगर मैं तो, 2019 में मैंने 12th पास किया था, उसके बाद तब से तैयारी चल ही रही थी, लगभग 4 साल बाद जाके मुझे फाइनल सिलेक्शन मिला है। तो कहीं भी लगे रहो, अपना पेपर आएगा, कोई फॉर्म आएगा उसे फिलअप करते रहिए, उसमें चाहे एक वैकेंसी हो चाहे दो वैकेंसी हो, वैकेंसी से नहीं मायने रखता है, हम तैयारी करें हैं हमारा हो जाएगा, हमें अगर इतना भरोसा रहेगा तो हमारा हो जाएगा, और वैकेंसी नहीं मायने रखती है, तैयारी अपनी करके रखो आप। और यहाँ पे अगर जाके कुछ भी नहीं होता है, आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं मिलता है, तो एक्सपीरियंस बहुत मिल जाता है, और एक्सपीरियंस भाई लाइफ में हर एक चीज़ सिखा देता है कि कैसे आपको धैर्य बना के रखना है, पेशेंस कैसे बना के रखना है। तो आप यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है, और बच्चों का तो मुझे डाटा नहीं मिला है, क्योंकि ये भैया हमारे साथ ही थे सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर सिविल में, ऑल्सो ये सिलेक्ट हैं फाइनल मेरिट में सिलेक्ट हैं ये, तो इनसे बातें होती रहती थी, तो इन्होंने बताया था, इस वजह से इनका मैंने सोचा एक वीडियो बना दें, ये आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। तो एक वैकेंसी होते हुए भी इन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिया है। अब अगर बात करूँ मैं ये करेंगी कौन सी जॉब, तो मैंने जब इनसे पूछा कि आप कौन सी जॉब करोगे, तो इनका कहना था भाई मैं सीआरपीएफ जो सब इंस्पेक्टर एसआई सिविल में जो निकली थी पोस्ट, में उसको करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, आप हमारे साथ ही रहोगे, सीआरपीएफ सिग्नल स्टाफ में ही रहोगे, तो सब इंस्पेक्टर सिविल वाली जॉब ये करना चाहेंगे। तो अदर जो बच्चे थे, अब उनके जितने नंबर होंगे ना, उनके जितने नंबर होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा, अगर इनसे कोई कम होगा जैसे 129.5, अब वो तो आउट हो गए, चलो एक वैकेंसी है, लेकिन इन्होंने कहा मैं अप्लीकेशन डाल दूंगा कि सर मैं इस वजह से नहीं आ सकता, मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया, पहले हो गया, तो ट्रेनिंग मुझे इसमें बुलाया जा रहा है पहले, और यहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, एप्लीकेशन लिख के दे देंगे कि मेरी जगह पे अगर आप किसी और को लेना चाहते हो, या मतलब सीट वो वेटिंग लिस्ट अगर निकालना चाहते हो तो उसको निकाल सकते हो वगैरह वगैरह करके। वो बीएसएफ की मर्जी है भाई, वो निकाले कि ना निकाले, वो तो उनके तरफ की है, वो निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिनका 129 से थोड़ा सा कम नंबर रहेगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा फिर इसी में एक वैकेंसी पर। तो ये उन्होंने कहा कि मैं लिख के दे दूँगा बीएसएफ को, अगर वो करना चाहेंगे तो कर देंगे, और नहीं करना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, नहीं करेंगे। तो ये था सारा इनका प्रोसेस। तो मैंने इनसे खुद मांगा था 2-3 दिन, मैंने कहा आपका स्क्रीनशॉट भेज दो, ये देख सकते हो आप सब इंस्पेक्टर सिविल का आकाश कुमार शर्मा, इसमें तो रोल नंबर थे, और ये रहा भाई ये देख सकते हो आप, ये दूसरे पेपर का मतलब एडमिट कार्ड था, पहले पेपर का मैंने शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया है उसका, मैं दिखा दूँ पहला पेपर दे ही कि पहला पेपर दिया ही था इन्होंने, इसीलिए इनका दूसरा मतलब ये दूसरा ही तो आया। तो आपको ये समझ में आया ना कि भर्ती मतलब कैसी भी हो सकती है, चाहे एक वैकेंसी हो चाहे दो वैकेंसी हो, जीरो वैकेंसी ना हो उसमें मतलब भरने लग जाना, एक वैकेंसी लगभग होनी चाहिए। तो एक वैकेंसी अगर हो तो आप उसमें फॉर्म फिलअप कर दीजिए, बेझिझक, कुछ भी हो सकता है भाई, आगे तुम नहीं देख सकते हो, फ्यूचर को सिर्फ भगवान के हाथ में है, वो आपके लिए कुछ भी लिख के रखेगा, आपको मिल जाएगी। और दुनिया में भाई अगर यूनिक करना है तो फॉर्म ज़रूर भरते रहिए, आप करते रहिए। सो आपको कैसा लगा मोटिवेशन कमेंट बॉक्स में बताना, और भैया को एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन सभी कर देना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।